हेलो स्टूडेंट्स, ई लेक्चर की श्रृंखला में आज हम बेसिक डिज़ाइन आईडी 205 के यूनिट 4 का बिल्डिंग स्केचिंग टॉपिक लेंगे। स्टूडेंट्स, बिल्डिंग का स्केच बनाने के लिए ज़रूरी क्या है? बिल्डिंग का स्केच बनाने में, बिल्ड स्केच की डिज़ाइनिंग में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का यह एक माध्यम है, जिससे किसी भी डिज़ाइन में वेरिएशन व उसके निर्माण प्रक्रिया को देखकर समझा या समझाया जा सकता है। देखने के पश्चात डिज़ाइन में सुंदरता बढ़ाने या किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा करने का अवसर मिल जाता है तथा अब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्केच बनाने के कई फ़ायदे हैं, जैसे ये डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी को एक माध्यम प्रदान करता है, डिज़ाइन के फोकल पॉइंट को निश्चित करता है, उसकी विषय के प्रति सोच को उजागर करता है, देखने वाले को सुकून देता है तथा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का मीडियम बनता है। फ्री हैंड स्केचिंग एक्सप्रेशन का एक फास्ट टूल है, जिसमें अधिक डिटेल की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी विषय को आसानी से समझा जा सकता है। आंतरिक सज्जा में फर्नीचर, कक्ष, बिल्डिंग मटेरियल्स, लैंडस्केप तथा दीवारों की सजावट को भली बातें समझा जा सकता है, क्योंकि सजावट कैसी होगी यह देखकर ही पता चल सकता है, और इसलिए फ्री हैंड स्केचिंग के माध्यम से हम ग्राहकों को डिज़ाइन के मुख्य बिंदुओं को समझाने में कामयाब हो सकते हैं। किसी भी डिज़ाइन के एलिमेंट्स जैसे टाइपोग्राफी, कलर, शेप, पैटर्न का आँखों पर स्केच से ही असर पड़ता है। हर डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए सिमेट्रिकल तथा एसिमेट्रिकल डिज़ाइन की जानकारी भी मिल जाती है। डिज़ाइन का सेंटर डिसाइड करके इसमें बदलाव किया जा सकता है। स्केच के द्वारा डिज़ाइन के प्रोपोर्शन और पर्सपेक्टिव को सुधारा जा सकता है, साथ ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट तथा शेडो को भी संवारा जा सकता है, जिससे बिल्डिंग के ओरिएंटेशन को बड़ा फ़ायदा मिलता है। स्केच का पर्पस डिज़ाइन के आइडिया और डेवलपमेंट के प्रोसेस को ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। यह ड्राइंग के किसी भी मीडियम से बनाया जा सकता है। अतः बिल्डिंग डिज़ाइन में आने वाली अनेक समस्याओं को समाधान देता है, जैसे टेक्सचर, कलर, शेप, पैटर्न, किसी भी चीज़ को एम्बोस करना है, लैंडस्केप, रेखाओं का संतुलन इसमें आसानी से किया जा सकता है। किसी भी मटेरियल को भली भांति किस प्रकार उपयोग करके डिज़ाइन की सुंदरता को इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही सुधारने का स्केच से मौका मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे बिल्डिंग स्केच को बनाने के मुख्य बिंदु। थैंक यू।